बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन सितार है और मैं एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन गवर्नमेंट मिजांग टीचिंग हॉस्पिटल जो कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है पिछले 7 सालों से काम कर रही हूँ। हम आज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है क्या? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम औरतों को में मेल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पैदा होने वाला एक मर्ज है। इस मर्ज में होता क्या है? इस मर्ज में औरतों में मेल हार्मोन का लेवल औरतों वाले हार्मोन के लेवल से बढ़ जाता है। उसके बढ़ने की वजह से औरतों में कुछ अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो अलामात के साथ हमारे पास मरीज़ आते हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स की इरेगुलरिटी। उस इरेगुलरिटी में क्या होता है कि मरीज़ को पीरियड्स या तो बहुत कम आते हैं या उनकी डेट्स ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। कुछ को 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। उसके अलावा और बच्चियों में और औरतों में मेल हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होने की वजह से फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं और एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है और साथ ही साथ उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इस बीमारी के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? ये आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी बनती जा रही है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का कोई मरीज़ ना देखा। हर 10 में से एक बच्ची या औरत हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करती है। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह 3 वजूहात हैं जो अभी तक अंडर प्रोसेस हैं। एग्जैक्ट वजह कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि जीन्स और हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन बॉडी में, ये वजूहात हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने की। पर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन का लेवल किन औरतों में बढ़ता है? उन औरतों में जो ओबेस हैं उनमें ये लेवल इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। क्यों प्रोडक्शन बढ़ जाती है? क्योंकि इंसुलिन का अफेक्ट बॉडी में कम हो जाता है, जिसको हम आम जबान में इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी में डेवलप होती है तो लबलबा या पैंक्रियास नेचुरली इंसुलिन की मीट करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। अब इंसुलिन की लेवल क्योंकि बॉडी में ज़्यादा होता है, वो हार्मोन औरतों की ओवरीज पे या अंडे, जिसको आम जमाने में अंडेदानियाँ बोला जाता है, उस पर अफेक्ट करती हैं। उस अफेक्ट के नतीजे में मेल हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स के बारे में हम कंसर्न क्यों हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आम बच्चियों में ये एक्नी, हिर्सुटिज्म और माहवारी की के प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? नेचुरली जो बच्ची जवान है उसकी कल को हमने शादी भी करनी है। शादी के बाद सबसे पहला हमारे माशरे का सबसे पहला जो सवाल होता है, 1 महीना भी बच्ची की शादी को नहीं होता और पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई। पॉलीसिस्टिक एक ऐसा मर्ज है जो आगे चल के औरतों में हमल नहीं होने देता। क्यों हमल होने नहीं देता? इसकी वजह ये है कि हर महीने नॉर्मल ख़वातीन में एक एग या फॉलिकल, जिसको हम कहते हैं, वो मैच्योर होता है और रप्चर होता है। उसके मैच्योर होने के, रप्चर होने के बाद ही एक औरत में प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ये ओवुलेशन या मैच्योर एग नहीं डेवलप होता। जब ये डेवलप नहीं होता उसकी वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और उनमें हमल होना मुश्किल हो जाता है। अब हम उसके इलाज की तरफ जाते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज की औरतों से मुतासरा ख़वातीन की हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। 2 तरीके से हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज को कंट्रोल कर सकते हैं, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरी अद्वियात या मेडिकेशन। अब जो अद्वियात हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा है वो एक कम्बिनेशन है, और वो कम्बिनेशन है मायो इनोसिटोल का, डी कायरो इनोसिटोल एंड फॉलिक एसिड। ये दवाइयाँ औरतों में ओवुलेशन को नॉर्मल करती हैं, उनके मोटापे को कम करती हैं। जब उनकी ओवुलेशन नॉर्मल हो जाती है उनमें हमला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करता है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपना वज़न कम करे। वज़न कम करना पॉलीसिस्टिक ओवरीज में थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज और डाइटरी मॉडिफिकेशन पेशेंट को बताई जाती है।
एडको लेबोरेटरीज ने एक एनिमेटेड एक्सरसाइज वीडियो क्रिएट की है जो स्पेसिफिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से मुतासर खवातीन के लिए है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी उनका वज़न कम होने में। तो एडको लेबोरेटरीज को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया जो कि आज का एक समझ लें कि बहुत कॉमन बीमारी बनती जा रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल पिछले 20-25 साल में बहुत चेंज हुआ है। हम वेस्टर्नाइज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उन वेस्टर्नाइज होने की वजह से हमारी डाइटरी हैबिट्स में बहुत चेंज आया है, और ये सारी डाइटरी हैबिट्स हमारे यंग बच्चों में, हमारी यंग बच्चियों में ओबेसिटी की कॉज बन रही हैं। जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इस बीमारी से निजात हासिल नहीं कर सकते। इसलिए एडको लेबोरेटरी का मैं एक दफ़ा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इन बच्चियों के लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई है जिससे वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर ले सकती हैं, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकती हैं, अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्रिया।